एक ऐसी अजब शख्सियत थे मंटो, जिसे समाज ने हमेशा कटघरे में रखा, जबकि उन्हें हमेशा समाज की फिक्र थी। यह फिक्र उनकी कहानियों में उतरती थी तो समाज फिक्रमंद हो जाता था, क्योंकि अपनी असल बदसूरत तस्वीर वह देखना नहीं चाहता था। पर मंटो वही करते और लिखते रहे जो उन्हें सही लगा। उनसे जुड़े किस्से बहुत से हैं जो उनके व्यक्तित्व कृतित्व की झलक पेश करते हैं। 11 मई 1912 को वे एक नामी बैरिस्टर और सेशन जज के यहाँ जन्मे थे। उनके पिता बड़े सख्त स्वभाव के थे, मंटो से एकदम विपरीत। बेटे के शौक उन्हें पसंद नहीं थे। एक बार मंटो ने दोस्तों के साथ एक ड्रामेटिक क्लब खोला। वे आगा हश्र का एक नाटक करने वाले थे। क्लब को 15-20 दिन ही हुए थे कि उनके पिता ने क्लब में आकर हारमोनियम, तबले सब तोड़ दिए थे और उन्हें साफ कह दिया था कि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। हालांकि मंटो की माँ नर्म स्वभाव की थी। इसी नर्म और सख्त दो तरह के स्वभावों के बीच उनकी परवरिश हुई थी। मंटो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना चाहते थे, दूसरे नौजवानों की तरह नारे लगाना चाहते थे। पिता के डर से यह नहीं हो सका। 1932 में जब उनके पिता का देहांत हुआ, भगत सिंह फांसी चढ़ चुके थे। मंटो ने अपने कमरे में पिता की तस्वीर के नीचे भगत सिंह की मूर्ति रखी। कमरे के बाहर एक तख्ती लगाकर उस पर लिखा लाल कमरा। रूसी साम्यवादी साहित्य से वे खास से प्रभावित थे। उनकी पहली कहानी के बीज उनके मन में तभी पड़ गए थे जब वे केवल 7 साल के थे। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके उनके बाल मन पर गहरा असर हुआ। अपनी पहली कहानी तमाशा में उन्होंने 7 साल के बच्चे की नज़र से इस हत्याकांड को दिखाया था। इसके बाद क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ी और भी कहानियां उन्होंने लिखी। बम्बई से उन्हें खासा लगाव था। वहाँ वे करीब 12 साल रहे। वे कहते थे कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। 30 के दशक की शुरुआत में जब वो बम्बई आए थे तो अल्फ्रेड टॉकीज के सामने की अरब गली में 8 महीने रहे थे। उस छोटे से घर में खूब खटमल भरे हुए थे। जब उनकी माँ को यह बात पता चली थी तो वे रो दी थी। सामाजिक मान्यताओं और विषमताओं के खिलाफ जाकर लिखने से कभी भी मंटो ने परहेज नहीं किया। काली सलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमियान, उनकी वे कहानियां थी जिन पर काफ़ी मुकदमे चले। उनकी कहानियों पर अश्लीलता का ठप्पा लगा, लेकिन उनका कहना था कि केवल वे समाज की हकीकत दिखा रहे हैं। जैसा समाज है वैसा दिखा रहे हैं, क्योंकि समाज नग्न है तो वे उन्हें कपड़े नहीं पहना सकते। अपने परिवार से भी मंटो बहुत प्यार करते थे। बताते हैं कि घर के काम करने में भी उन्हें कभी हिचक नहीं होती थी। वे माचिस की डिब्बियों और सिगरेट के खाली डिब्बों से अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाया करते थे। लगातार होते मुकदमों से तंग हो गए थे और इस तरह से शराब के नशे में डूबते चले गए थे। इस वजह से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। आर्थिक तंगी की जो उनकी जिल्लत थी, इसे उन्होंने अपनी कहानियों में भी दिखाया है, लेकिन उन्होंने कभी भी लिखने पर पछतावा जाहिर नहीं किया। एक बार जब मंटो बम्बई में थे, उनके पास हैदराबाद से किसी प्रशंसक का खत आया। उसने लिखा था कि ऐसी क्या बात हुई कि इस्मत चुगतई से आपने शादी नहीं की। अगर ये दो हस्तियां मिल जाती तो कितना अच्छा होता, मगर अफसोस कि इस्मत ने शाहिद से शादी कर ली। इस्मत भी उस दौर की जानी मानी लेखिका थी। उन दोनों का रिश्ता देखकर लोगों को लगता था कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन मंटो का मानना था कि धोखे से वे शादी भी कर लेते तो लड़ लड़ कर सब बर्बाद कर देते। उन्होंने कल्पना करके लिखा भी है कि शादी वाले दिन भी किसी बात पर वे काजी के सामने जल जम कर लड़ बैठते। उनकी बेटियां जो हैं नुजहत अशरद और नुजहत जलाल, मंटो की बेटियां जो हैं, वो खुश हैं कि उनके पिता पर फिल्म बन रही है।